जो लोग पहले दो क्लासों में नहीं थे उन्हें पता हो कि रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है। आज आखिरी क्लास है, 5 6 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, एज वाले वो करेंगे। रेशियो का एक आखिरी सवाल बचा हुआ था। कल मैंने कॉइन्स वाले कुछ क्वेश्चंस कराए थे, एक सवाल मैंने ये छोड़ दिया था, किसी ने किया है कि इसका क्या आंसर आएगा? 160। बाकी लोगों का भी आ रहा है, मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। ये सिर्फ इसीलिए वो इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 सालों में ऐसे सवाल पूछे गए हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर एग्जामिनर की प्रॉब्लम है, वो ऐसा सवाल देगा आपको। देखो, सवाल की लेंथ हमेशा ऐसी मिलेगी, कितने मार्क्स में आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी सवाल की लेंथ। मैं भी आपको 2 सवाल एज के दिखाऊंगा, जो 2018 में आया तो उसकी लेंथ कितनी थी, और जो 2021 में आया उसकी लेंथ, सेम एज के सवाल। तो वो एग्जामिनर देगा आपको ऐसे सवाल। जैसे अगर 5 नंबर में आया है तो सवाल ऐसा होगा जो 40 से 45 शब्दों में ख़त्म हो जाएगा, और अगर 11 मार्कर में आया है तो कम से कम 150 से 180 शब्दों तक जाएगा वो सवाल। वो एक अलग चीज़ है कि हमसे नहीं बन पा रहा है तो हम एक पेज में ख़त्म कर दें या फिर 2.5 पेज लगा दें। अगर हमने प्रॉपर किया है, हमसे बन रहा है, तो वो डेफिनेटली 150 से 200 शब्दों के बीच में ही ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये मैंने कल करा दिया था, ये भी करा दिया था, ये अच्छा, ये वाले भी हो गए थे ना। ये आखिरी सवाल बचा था इसका, ये मीन्स 2017 में आया है, मेंस 2017 में पूछा गया था, उस समय ये 6 नंबर का आया करता था, 6 मार्कर, और 6 मार्कर की जो वर्ड लिमिट होती थी वो 100 वर्ड्स होती थी। 100 वर्ड मतलब एक पेज पूरा मिलता था 2019 तक। तो जब एक पेज मिलता था तो सवाल भी थोड़े से बड़े आते थे, इस तरह का छोटे छोटे सवाल नहीं आते थे। आजकल जो 5 नंबर के आते हैं वो आधे पेज में करना है, 9 लाइनों में, उस समय पूरी लाइनें कुछ नहीं होती थी, पूरा पेज मिलता था आपको करने के लिए, तो उसी हिसाब से इसकी लेंथ रहती थी। अभी अगर हम इस सवाल को करेंगे और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल ये बड़ा हो गया। ये कर क्यों रहे हैं फिर? हम कर इसलिए रहे हैं कि हमें लगना भी तो चाहिए कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, किससे सवाल आते भी हैं कि नहीं, किस तरह के आते हैं, कैसे कर पाएंगे। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो हमने किया ही नहीं था। चलो, सवाल दिया है कि यदि 510 रुपये को एक्स वाई जेड में बांटें, किस प्रकार बांटें कि एक्स का हिस्सा वाई के 2/3 के बराबर हो और बाय का हिस्सा जेड के 1/4 के बराबर हो, तो बताइए तीनों को कितना कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, एक जानकारी तो ये आपको दी है, कुल धनराशि, ₹510। अब क्वेश्चन में जैसा कहा गया है प्रश्नानुसार, एक्स को बाय का 2/3 मिले, इस बात का मतलब क्या है? एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? बाय का 2/3 यानी 2/3। हम ऐसा कह सकते हैं एक्स बराबर 2/3। अच्छा, इसको बाय के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं क्या? मतलब बाय के बराबर करके लिख सकते हैं? बाय के बराबर करके लिखेंगे तो मैं ऐसा कह सकता हूँ बाय अपनी जगह 3 का गुणा एक्स में हो जाएगा, यानी 3x/2। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या तो एक्स की निकालें या बाय की या जेड की, क्योंकि बाय दोनों में कॉमन है, एक्स के भी बराबर है और जेड के भी बराबर है, तो बाय को हमें तीनों की जगह रखना पड़ेगा सेम। दूसरा, आपको ये भी दिया है कि बाय का जो हिस्सा है वो जेड का 1/4 है, बाय बराबर जेड का 1/4, यानी बाय बराबर जेड 1/4। मैं अगर जेड के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, जेड बराबर 4/4। ये बात भी ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को? कोई दिक्कत है क्या? देखो, ये तो सवाल में दिया था एक्स बराबर 2/3, तो हमने इसको बाय के बराबर कर दिया, बाय बराबर 3x/2, सेम यहाँ पे कर दिया। अब अच्छा, ऐसे लाइनें खींच खींच के नहीं लिखना, आपके पास 9 लाइनें होंगी ना तो उसके नीचे ही लिखना है, मैं तो एक ही पेज में सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि हमको ये दे रखा है कि x प्लस बाय प्लस जेड तीनों का जो हिस्सा है वो ₹510 के बराबर है, ये जानकारी आपको दी है दिया है।
अच्छा एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या, सॉरी एक्स की जगह सीधे बाय लिख सकते थे ना। ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी यार। हाँ देखो एक्स की जगह हम सीधा ये लिख सकते हैं 2y/3 प्लस बाय की जगह बाय, और जेड की जगह 4y लिख सकते हैं क्या, 4y बराबर 510 रुपये। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 3 आएगा ऊपर 2y प्लस में 3y प्लस 12y, एलसीएम ले पाओगे, ये एलसीएम तो ले लोगे, कितना हो गया 3 2 5 5 12 17 17y बराबर 510 इंटू में 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 3 51 30 90, y का मान आ गया 90 रुपये। अगर y की वैल्यू 90 आ गई तो x का हिस्सा कितना है भाई, x का हिस्सा ये लिखा हुआ देखो 2y/3 यानी 2 इंटू में 90/3 बराबर 60 रुपये। z का हिस्सा कितना है 4y, 4 × 90 बराबर 360 रुपीज, और y का हिस्सा पहले निकाल ही लिया था आपने 90 रुपये। तीनों को वापस से जोड़ोगे तो 510 बन जाएगा, 510 आ जाए क्या ये? नहीं नहीं वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया था, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऐसा नहीं करना है, वो अच्छा लगता है बस। हाँ तो आंसर लिख दो बस उसके आगे, आप तीनों के हिस्से लिखेंगे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या पूछा है तीनों के अलग अलग हिस्से बताइए, तो आप लिख दोगे अतः एक्स बाय तथा जेड के हिस्से क्रम से क्या होंगे 60 90 तथा 360। जिस तरीके से निष्कर्ष जैसे लिखते थे आप जीएस के अन्य पेपरों में, वैसे एक लाइन में इसका उत्तर लिख के बताएंगे, वो डब्बे डब्बे नहीं बनाना है, सी सेट में पढ़ाते हैं ना तो वो एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता है, उसके बाद अच्छा लगता है ऐसा बनाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखोगे आप इसका सॉल्यूशन तो आपको लगेगा कि ज़्यादा बड़ा हो गया, उसका कारण ये है कि ये 6 नंबर में पूछा गया था 2017 में, उसकी शब्द सीमा 100 थी, तो ये लगभग 100 शब्दों के आसपास जाएगा, अभी इतना लंबा नहीं आएगा सब, समझ पाए सवाल को, कराया इसलिए कि इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो आप बना पाए। हाँ किसी एक की पूछ सकते हैं तो छोटा हो जाएगा वैसे भी सवाल। हाँ ऐसा भी नहीं है कि ये सवाल आएगा ही नहीं, ऐसा ही सवाल पूछा जा सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, जैसे ये छोटा करना, जैसे सूर्यकांत ने कहा कि यहाँ तक तो सेम कैलकुलेशन हो सकती है, अब आपसे इतना पूछा जा सकता है कि किसी एक की आय बताओ, जैसे बाय की पूछ लेते तो बाय की निकल चुकी थी भाई, है ना, तो सवाल ये पीछे की जो बातें लिखी हुई नेक्स्ट स्लाइड पर वो नहीं करनी पड़ती, यही सवाल ख़त्म हो जाता अगर वो पूछ लेता बाय का हिस्सा कितना है, तो भाई बाय का हिस्सा 90 रुपये आपका आ चुका था, और ये उस शब्द सीमा में कंप्लीट भी हो जाता, ठीक है, कर लोगे ऐसा सवाल आएगा तो। क्या नेक्स्ट स्लाइड, हो गया, ये तो केवल कैलकुलेशन करना थी। कुछ एज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, देखो एज के बहुत आसान आसान से सवाल आते हैं, एज का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने दो लोग लिए ए और बी, इन दोनों की एज है मान लो 10 और 12 साल, दो भाई बहन हैं, भाई ये 10 साल का, बहन 12 साल की है, हमने कहा 3 साल बाद आपकी एज कितनी होगी। अच्छा मैंने इन लोगों से पूछा कि भाई आज आपकी एज का डिफरेंस कितना है, तो ये बोलेंगे सर 2 साल, फिर हमने कहा 2 साल बाद तुम्हारी एज कितनी होगी, तो ये बोलेंगे सर 2 साल बाद मैं 12 का हो जाऊंगा, और ये लड़की 14 की हो जाएगी। हमने कहा आज तुम्हारी एज का डिफरेंस कितना है, तो बोलेंगे 2 वर्ष, फिर हमने कहा चलो 5 वर्ष बाद देखते हैं, 5 वर्ष बाद ये 17 वर्ष के हो जाएगा, और ये
19 वर्ष की हो जाएगी। हमने कहा आज डिफरेंस कितना है, तो अब भी 2 वर्ष होगा। इस बात का मतलब ये है कि दो लोगों की उम्र का अंतर हमेशा समान रहेगा किसी भी स्टेज पर जाके। ऐसा नहीं कि भाई बहन के बीच आज 5 साल का अंतर था, 5-6 बर्थडे के बाद 4 साल का अंतर हो गया, और 8-10 और सेलिब्रेट करेंगे तब तक 2 साल का अंतर हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा समान रहेगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि राम और श्याम की उम्र का रेशो 3 और 5 है और उनकी उम्र का अंतर 20 वर्ष है, तो ये अंतर हर स्टेज पर बराबर रहेगा। जैसे पिताजी आपसे अगर 40 साल बड़े हैं, 20 साल बड़े हैं, तो 20 ही वर्ष बड़े रहेंगे। ऐसा नहीं किसी दिन और बोले और पापा बराबर के हो गए आज तो अपन दोस्त हो गए, ऐसा नहीं है। वो 20 साल बड़े हैं अगर पिताजी, तो 20 साल बड़े ही रहेंगे आपसे। आजकल तो बहुत अंतर होने लगा है ना। पहले ऐसा हुआ करता था 17 साल के का बेटा 34 साल के पिताजी, है ना, 17 साल में शादी हो गई, अगले 34 साल तक 17 साल का बेटा भी हो जाता था। अभी 37 साल में शादी हो रही है, फिर बोलते हैं 3-4 साल रुको तब बच्चे होंगे। चलो तो एज का 2 सवाल मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये 2018 में पूछा गया था और ये 2021 में पूछा गया था, दोनों में बहुत अंतर है सवाल की लेंथ में। 18 के हिसाब से 100 शब्दों की शब्द सीमा के हिसाब से क्वेश्चन दिया गया था, ये 50 शब्दों के हिसाब से। तो इनसे पहले हम कुछ इजी से सवाल कर लेते हैं हमारे को। सवाल पढ़ो, हेमा और कौन है श्यामा की उम्र का अनुपात 3:5 है, यदि हेमा श्यामा से 8 वर्ष छोटी है तो 4 वर्ष बाद श्यामा की उम्र कितनी होगी। देखो एक शब्द आता है छोटा बड़ा, इन दोनों का ही मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। कहीं छोटा शब्द लगाए या बड़ा शब्द लगाए, दोनों बातों का मतलब अंतर ही होता है। हर हाल में मतलब डिफरेंस ही पूछा जा रहा है आपसे, या डिफरेंस दिया है। इसने कहा ना हेमा श्यामा से बड़ी है या छोटी है, भाई एक दूसरे से बड़ा ही तो होगा। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये और भी दो लोग हैं, इसके पास 10 रुपये हैं, इसके पास 20 रुपये हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए के पास बी से 10 रुपये कम है। बी ऐसा कह सकता है कि बी के पास ए से 10 रुपये ज़्यादा है। और तीसरा व्यक्ति ये कह सकता है कंपैरिजन करके कि दोनों के रुपयों में 10 रुपये का अंतर है। तो दोनों ही बातों का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। कम ज़्यादा छोटा बड़ा का मतलब क्या होता है, अंतर। हेमा और श्यामा की उम्र का अनुपात इतना है, तो इस अनुपात को आप एक उम्र मान लें। माना हेमा और श्यामा की वर्तमान उम्र क्रम से 3x तथा 5x। ये इतने इजी सवाल हैं कि सबको आते हैं, शायद देखकर भी आंसर कर सकते हो इसका। हमें वर्तमान उम्र लिख ली इस रेशो के बेसिस पर। उसने कहा श्यामा हेमा से 8 वर्ष छोटी है, तो दोनों की उम्र का अंतर। ये सवाल में दे रखा है कितना, 8 वर्ष। अच्छा रेशो में कितना अंतर है, बोले एक 5x वर्ष की है, दूसरी 3x वर्ष की है, और ये 8 के बराबर है। तो 2x की वैल्यू अगर 8 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 वर्ष। एक्स की वैल्यू अगर 4 वर्ष आ गई तो उसने पूछा है कि 4 वर्ष बाद श्यामा की उम्र, तो हम निकाल देंगे 4 वर्ष बाद श्यामा की उम्र। अच्छा वर्तमान उम्र कितनी थी श्यामा की, 5x, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, 5x+4। 5 का 4 मल्टीप्लाई करो तो 20 और 4 24 बार, ये इसका होता। तो ऐसा जो भी सवाल पूछा जाएगा 5 नंबर में पूछा जाएगा, इतना से छोटा सा सवाल। इस बार तो बहुत ही छोटे छोटे से सवाल आए थे, जो शायद उससे पहले 3 मार्कर में बना करते थे, ऐसे सवाल 5 मार्कर में आए थे। जैसे प्रोबेबिलिटी का एक सवाल आया था, वो पहले इससे पहले 3 नंबर में पूछ लिया गया था, अभी 5 नंबर में पूछा गया था। सी सेट वगैरह में ऐसे सवाल आते भी नहीं, इतने इजी होते हैं। इतना सा देखना था कि इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 2, और वास्तविक डिफरेंस कितना है, 8। 2 रेशो की वैल्यू अगर 8 है तो 1 रेशो की वैल्यू 4, तो 3 रेशो की वैल्यू, सॉरी 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, और 4 और जोड़ दो तो 24, अगर केवल उत्तर निकालना होता तो। ठीक, हो गया।
नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता और बेटी की उम्र का अनुपात 3:1 है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 70 वर्ष होगा, तो बेटे की वर्तमान उम्र बतानी है। आपको वर्तमान का रेशो दिया है तो वर्तमान का रेशो एज मान लें, अगर बाद का रेशो दिया है तो बाद की एज मान लें, और पहले का दिया रेशो तो पहले की एज मान लें। पहले से वर्तमान में आ सकते हो, बाद वाली से भी वर्तमान में आ सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि आज किसी व्यक्ति की उम्र 10 वर्ष है, आज से 2 वर्ष पहले कितनी होगी? 8। 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 12। इतना तो समझते हम, बाद से पहले में आना है तो माइनस कर देंगे, पहले से बाद में जाना है तो प्लस कर देंगे। तो माना पिता और बेटे की वर्तमान उम्र क्रम से 3x तथा x वर्ष, अच्छा 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद उम्र, दोनों की उम्र, पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी? बोले 3x+5, और बेटे की उम्र हो जाएगी x+5। वो कह रहा है कि दोनों की उम्र का योग 70 होगा, योग मतलब दोनों को जोड़ देना है बस केवल। अगर आप इनको जोड़ते हो 3x+5+x+5 तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे? 70 के। 3 और 1 4+10=70। तो 4x=60 है, x=15 आ जाएगा, x की वैल्यू 15 वर्ष आ गई। उसने पूछा है बेटे की वर्तमान उम्र बताओ, बेटे की वर्तमान उम्र, बोले बेटे की वर्तमान उम्र है x, 15 वर्ष ही आ जाएगी। इसमें आपने कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन रेशो में और एज में, पर वो इधर नहीं पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पर बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल, जो जिन्हें आप डिटेल में लिख के बना सकते हो। जैसे कुछ होते हैं लॉजिकल बेस्ड जो ट्रिक से निकाले जा सकते हैं, तो यहाँ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे जो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिन्हें बहुत आराम से आप लिख कर बना सकते। ठीक है, हो गया। बात क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश किया करो। इजी नहीं, वैसे ही देते हैं जैसा ये किया अभी, नोट कर लिया, करिए। नोट करने के साथ साथ समझते भी चलें, ऐसा ना हो कि हम समझे नहीं चीज़ों को, नोट करते रहें केवल। नोट भी कर रहे हैं सभी लोग? दिखाओ तुम नोट किया क्या। अपना क्या चल रहा है? किया है? चल एक सवाल करके दिखाओ मुझे। ये ऐसा ही सवाल है, 8 वर्ष पहले अमर की उम्र उसके बेटे की उम्र की 5 गुनी थी। अच्छा, इसमें अनुपात नहीं दिया है, 5 गुने का मतलब क्या था? 5:1। उनकी वर्तमान उम्र का योग 64 है, तो अमर की वर्तमान उम्र बतानी है। वैसे ही सवाल है, मैंने कहा था कि आगे पीछे की उम्र का आप रेशो लिख सकें, इतना समझ में आना चाहिए आपको, इतना तो हम बेसिक सी बात समझते हैं कि 5 साल पहले हम आज के कंपैरिजन में छोटे थे, और 5 साल बाद हमारी एज आज के कंपैरिजन में बड़ी हो जाएगी, यानी ज़्यादा हो जाएगी। करो जल्दी से, 2 मिनट का सवाल है, 2 ही मिनट मिलते हैं ना 5 मार्कर के लिए, 3 मिनट, तो मैथ्स और जल्दी हो जाना चाहिए। इसमें क्या सोचने की ज़रूरत है नहीं ना, अगर आता है तो हो जाएगा, नहीं आता तो फिर नहीं होगा, फिर तो 30 मिनट भी कम पड़ जाएंगे।
40, और किसी के 40 आ रहा है क्या? माना 8 वर्ष पहले, अमर तथा उसके बेटे की आयु क्रमशः 5x तथा x वर्ष थी। तब उनकी क्या करूं? ट्रांसलेट किसको? अच्छा, इस लाइन को क्यों? अच्छा, इंग्लिश में लिखना है, ऐसा है क्या? अरे तब से क्यों नहीं बोल रही थी आप? तब से क्यों नहीं बोला आपने? मुझे लगा आप हिंदी मीडियम से हैं। मैं काफ़ी अभी 2-3 दिनों से पूरा हिंदी में पढ़ा रहा था। क्या लगा? लेट क्या है? अमर है ना, अमर एज ऑफ अमर एंड हिज सन्स आठ। अमर बेटा, अमर नहीं, अमर फादर है ना, अमर फादर है। फाइव एक्स एंड एक्स रेस्पेक्टिवली उनकी बर्थ 8 वर्ष पहले की दी है ना। एक मिनट, 8 वर्ष पहले की दी है ना। नहीं, मैं गलत तो नहीं कर रहे हैं अपन लोग? 8 वर्ष पहले की दी। अच्छा, 8 वर्ष पहले की दी है। अच्छा, उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी फिर? अगर 8 वर्ष पहले इतनी थी तो वर्तमान उम्र कितनी होगी? बोले 5x प्लस 8 कोमा एक्स प्लस 8। साथ में ये कहा गया है कि इनकी उम्र का जो 8 वर्ष पहले, मैंने ये मान ली 8 वर्ष पहले ये कहा था कि 5 गुनी है, तो हमने 8 वर्ष पहले की मानी। अच्छा, 8 वर्ष पहले आपकी उम्र मान लो 32 साल है, तो आज कितनी हो जाएगी? 8 जोड़ने पर निकलेगी ना, तो इनकी उम्र 5x थी, तो 8 जोड़कर ही वर्तमान आएगी, इसकी भी 8 जोड़कर वर्तमान आएगी। भाई 8 वर्ष पहले जितनी भी एज है उसमें 8 जोड़कर ही तो आप प्रेजेंट में आ पाओगे कि नहीं? और फ्यूचर की एज निकालना है तो 8 और जोड़कर आगे जाओगे, पहले की निकालना है तो माइनस करनी पड़ेगी। जैसे मैं कहूँ प्रेजेंट एज आपकी 40 है, 8 वर्ष पहले कितनी थी, तो क्या करोगे? माइनस करोगे। और अगर पास्ट से वर्तमान की निकालना है यानी परसेंटेज निकालना है तो आप 8 जोड़ोगे उसमें, इसलिए 8 जोड़ी गई। अब दोनों का सम दे रखा है मुझे 64, तो 5x प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 8 बराबर 64। दोनों को जोड़ें तो ये कितना बन जाएगा? 6x प्लस 16 बराबर 64, तो x बराबर 48। x की वैल्यू आ गई 8। आपसे क्या पूछा है? उनकी वर्तमान, अमर की वर्तमान उम्र, अमर की वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज ऑफ अमर कितनी है? 5x। चालीस किसने उत्तर किया था? अच्छा, आपने किया था। अच्छा, बाकी लोगों का आया नहीं था शायद, इसलिए। हाँ, सॉरी, 8 वर्ष पहले की इतनी, सॉरी, 5x प्लस 8। अच्छा, वर्तमान उम्र तो ये है, ये 5 गुणा 8 प्लस 8 48 वर्ष हो जाएगी। अच्छा, ये जोड़ने पर 64 आ जाना चाहिए, तो इसकी कितनी है? 16, 16 और 48 64 हो जाएगी। दोनों को जोड़कर इसके बराबर भी होना चाहिए ना, 48 आएगा। जो आपने 40 बताई थी वो 8 वर्ष पहले की थी, 8 वर्ष पहले की थी। अब यही सवाल, अगर इतना कुछ लिखना नहीं होता, केवल आंसर निकालना होता, तो बहुत छोटा सा सवाल था ये।
हाँ भाई, नहीं ये लिखना तो पड़ेगा यार, 5 मार्कर में तो लिखना पड़ेगा। आप एक्सप्लेन कैसे करके बताओगे? ये मैंने एज मान ली उसकी, ये प्रेजेंट एज आ गई, प्रेजेंट एज के बाद में हमको जो दिया उसे कंपेयर कैसे करेंगे? तो दोनों को जोड़ दिया, उसके बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद यहाँ से एक्स की एक वैल्यू आई, एक्स की जो वैल्यू है उसके बेसिस पर जो भी पूछा जाए, बेटे की, पिताजी की, किसी की भी पूछी जाए, 2% है, 3%, कितना भी दिया तो उसकी वैल्यू निकाल दो बस। किसी एक की पूछ ली जा सकती है या दोनों की पूछी जा सकती है आपसे। और अगर ये इतना छोटा सवाल था, इसमें ये कहा गया था कि 5 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले सॉरी, अमर और उसके बेटे की जो उम्र का रेशियो था वो 5:1 था, 5:1 था। अगर मैं 8 वर्ष पहले की बात करूं और उनका टोटल जो 64 दिया है, अगर मैं कहूं कि 8 साल पहले इनकी उम्र का योग कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर कि दोनों के 8-8 उम्र कम कर दो, 16, यानी 48 वर्ष के रहे होंगे दोनों लोग, कब? आज से 8 साल पहले। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये 6 बनेंगे, 6 की वैल्यू इतनी होना चाहिए, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाती? 8 आ जाती। एक की वैल्यू अगर 8 आ जाती तो इनमें से किसी की भी उम्र निकाल सकते, जैसे बेटे की निकालना या इसकी निकालना, तो इसकी कितनी आ जाती? 40। पर ये 40 8 वर्ष पहले थी, 8 और जोड़ देते तो 48 आ जाती। पर इस तरीके से नहीं कर सकते उसको, है ना, ऐसे कर नहीं सकते उसको, नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा ही सवाल ये है, लेकिन इसको तुम कर लोगे। इसमें क्या कहा गया है? अंतर, और अंतर हर स्टेज पे बराबर होता है, पर फिर भी हमको ये चीजें लिख के बताना होगा। जैसे पिता और बेटे की वर्तमान उम्र का रेशो इतना है, प्रेजेंट एज का रेशो आपको दे रखा 18:7, उसने कहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अंतर 44 वर्ष था, तो 5 वर्ष पहले डिफरेंस कर लो। करोगे? आंसर तो बता सकते हो, 11 44 1 की 4, और निकालना किसका है? बेटे की 28, 8 वर्ष बाद निकालना, 28 8 36। आंसर तो निकाल सकते हो, आंसर माना पिता और बेटे की वर्तमान उम्र क्रम से 18x तथा 7x, 5 वर्ष पहले इनकी आयु 44 वर्ष का अंतर था, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अंतर 44 वर्ष था। तब 5 वर्ष पहले आयु, 5 वर्ष पहले इनकी उम्र कितनी होगी? बोले 5 वर्ष पहले पिताजी की उम्र 18x-5 और दूसरे की है 7x-5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं प्रश्नानुसार। उसने कहा दोनों की एज का डिफरेंस, हाँ नहीं, जैसे आज आपकी उम्र 20 वर्ष, मैंने कहा 5 वर्ष पहले कितनी थी? 15। कैसे किया? 5 माइनस करके क्या लिखा था? देखो क्या लिखा था, हम मतलब पास्ट से प्रेजेंट में आए थे, इसमें इसमें पास्ट की एज का रेशो दे रखा था, इससे प्रेजेंट में आए थे, इससे प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं हम। क्या ये देखो, ये तो बेसिक सी बात समझिए, सुनो बेसिक सी बात समझो कि आपकी जो पास्ट की एज है उससे आप प्रेजेंट में आओगे तो क्या करोगे? ऐड करोगे। और अगर आपकी प्रेजेंट की एज है उससे आप पास्ट में जाओगे तो क्या करोगे? माइनस करोगे। पास्ट, एक मिनट, प्रेजेंट की एज से आप बाद की एज में जाओगे तो क्या करोगे? प्लस। आज से 5 साल बाद आपकी उम्र ज़्यादा होगी कि कम? ज़्यादा होगी। तो कैसे निकालोगे? जोड़कर।
और 5 साल बाद की उम्र से आप अगर प्रेजेंट में आओगे तो क्या करोगे? माइनस। प्रेजेंट से पास्ट में जाओगे तो क्या करोगे? तो भी माइनस। समय के पीछे जाना है तो माइनस करोगे, समय को बाद में आगे लेके आना है तो प्लस करोगे। हाँ मैडम, आप कुछ बोल रहे? नहीं, जिस सीक्वेंस में दिया है, जिस सीक्वेंस में रेशो दिया है, जैसे उन्होंने कहा पिताजी की उम्र, पिता और उसके बेटे की उम्र का रेशो 5:3 है, तो पिताजी की पहले दिए, पहले मान लो। मानने पर कुछ नहीं होता, मानने को आप बेटे की पहले मान लो, पिताजी की पहले मान लो, रेशो सही लिखना है। गलती हम क्या करते हैं, जैसे आपने अपनी मर्जी से मान लिया और रेशो क्वेश्चन में से देख के लिख दिया, तो वो किस सिक्वेंस में लिखा था आपने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पिताजी की पहले मानोगे, पीछे बात है नहीं। सूर्यकांत, सूर्यकांत बताओ भैया क्या समझ नहीं आया आपको मुझसे? इसके बाद वाला ना, पिता और बेटे की वर्तमान उम्र का रेशो दे रखा है, ठीक है? तो हमने माना कि पिताजी और बेटे की वर्तमान उम्र का रेशो, वो वर्तमान उम्र 18x और 7x है। हम 5 वर्ष पहले जा सकते हैं कि नहीं? अगर एग्जैक्ट आंकड़े होते ये 18 और 7, तो 5 वर्ष पहले की कैसे निकालते? बोले 18 माइनस 5, 7 माइनस 5। ऐसे ही आपको एक्स में से भी तो माइनस करना है। इसी ये उम्र है, एग्जैक्ट उम्र है उनकी 18x और 7x, तो 5 वर्ष पहले की उम्र लिखना है तो 18x माइनस 5, 7x माइनस 5। अब वो कह रहा है कि दोनों की उम्र का अंतर 44 वर्ष है, तो दोनों की उम्र कितनी है? 18x माइनस 5। इसमें से क्या माइनस करें? 7x माइनस 5। तो 7x माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना, ये पता है। बराबर कितना? 44। ये कट जाएगा आपस में, मतलब माइनस प्लस, ये कितना बचेगा यहाँ से? 11x। 11x बराबर 44, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x बराबर 4 आ जाएगा। उसने कहा है 8 वर्ष बाद बेटे की उम्र क्या होगी? देखो वर्तमान कितनी है, वर्तमान है बेटे की 7x, तो 7x प्लस 8 इतनी हो जाएगी 8 वर्ष। तो ये कितना हो जाएगा? 7 चौके 28 प्लस 8 बराबर 36। एक इंसान की 3 स्टेज। हाँ जी, अंतर और योग समझते हैं, डिफरेंस और सम। डिफरेंस का मतलब दो दो चीज़ों का अंतर, माइनस, और सम ऐड होता है। तो पिछले क्वेश्चन में सम दिया था, इस क्वेश्चन में डिफरेंस दिया है, लिखा है ना, देयर एज डिफरेंस। अगर उनका अंतर दिया है तो अंतर करेंगे, सम दिया है तो। दो ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो सम पर दिया होगा या अंतर पर दिया होगा। और एक व्यक्ति की 3 टाइप की एज दी जा सकती है, या तो पहले वाली या वर्तमान या बाद वाली। इससे ज़्यादा एज के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मेरी तो हर साल एज बदलती है। 3 ही टाइप की एज हो सकती है, पास्ट की, फ्यूचर की या प्रेजेंट की। आपको इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई पास्ट से वर्तमान में जाना है, प्रेजेंट में जाना है, तो मुझे कुछ एज जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरी उम्र पास्ट से वर्तमान तक कुछ बढ़ चुकी है। और फ्यूचर से पास्ट में आना है तो माइनस होगा, फ्यूचर से प्रेजेंट में आना तो भी माइनस होगा। अब मैं वो 2 सवाल दिखा देता हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे ये 2018 में पूछा गया, रमेश के पिता रमेश से 27 वर्ष बड़े हैं। इस लाइन का मतलब समझ लो डिफरेंस होता है, छोटा है बड़ा है। एक छोटे वाला कराया, हेमा और श्यामा वाला, उसमें भी लिखा था छोटा या बड़ा। यहाँ पे भी लिखा है रमेश के पिताजी रमेश से बड़े हैं। आप बोलेंगे सर छोटा होता तो, अरे पिताजी बड़े ही होते हैं, बाप बाप होता है ना, तो बड़ा ही होगा। ऐसा नहीं है बोले छोटा क्यों नहीं है, बाप बाप होता है। तो रमेश के पिता रमेश से 27 वर्ष बड़े हैं, 5 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पिता की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो जो रेशो दिया है वैसे ही आप मान लो, 5 वर्ष बाद का रेशो दिया है तो 5 वर्ष के बाद की आयु आप मान लो ना। और एज का डिफरेंस हर लेवल पे इक्वल होता है, किसी भी एज में चले जाओ बराबर होता है। आप ऐसा मान लो, सीधे माना 5 वर्ष बाद, रमेश और उसके
पिता की आयु क्रम से कितना है, 2x और 3x होगी। पांच वर्ष के बाद, और उसने कहा है कि ये पिताजी इससे 27 वर्ष बड़े हैं, तो आप इस लेवल पे भी अंतर कर सकते हो, आप वर्तमान में भी आ सकते हो, अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं है। उसने कहा दोनों की उम्र का अंतर, दोनों दिया है, दोनों की उम्र का अंतर कितना होगा? बोले 3x-2x बराबर 27, एक्स बराबर 27 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 27 आ गई। उसने पूछा दोनों की वर्तमान उम्र बताओ, हमने कहा रमेश की वर्तमान उम्र, अच्छा रमेश की वर्तमान उम्र होगी कितनी? बोले रमेश की 5 वर्ष बाद उम्र है 2x। एक मिनट, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, यहाँ पर आराम से सोच के बताओ, आपको ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये जो एज है 5 वर्ष बाद की है, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? माइनस होगी, एग्जैक्ट -5। इसकी बस वैल्यू निकाल दो आप, अगर एक्स की वैल्यू 27 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54-5 बराबर 49। अच्छा ये हिंदी में लिखना, हिंदी वाले वर्ष नहीं, इंग्लिश वाले पूरा इंग्लिश में लिखें उसको। पिताजी की उम्र यानी पिता की उम्र, वर्तमान उम्र निकालना है, इनकी कितनी होगी? बोले ये 3x के थे 5 साल पहले, 5 वर्ष बाद सॉरी, तो अभी 5 कम होगी, ये कितना हो जाएगा? 81-5 बराबर 76, कितना ही आ रहा है? ये सवाल पूछा गया था 2017। हाँ जी, प्रेजेंट निकालना ना, आपको फ्यूचर की एज दे रखी है, उनकी फ्यूचर की एज का रेशियो दे रखा, बताओ। हाँ कौन से मेथड से? हाँ, बिल्कुल सही कहा। नहीं दिक्कत नहीं है, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए फिर रेशो को वो। हाँ नहीं आंसर तो आ रहा है क्योंकि डिफरेंस उतना ही है, एक की वैल्यू सीधी सीधी 27 है, 1 रेशो की वैल्यू 27 है, तो वैसे भी कर सकते हैं। भाई साहब का ये कहना है कि जैसे मान लो हम माना रमेश की आयु एक्स वर्ष, तब पिताजी की कितनी होगी? 27 ईयर, एक्स प्लस 27, अब 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात ये होगा, अब 5 वर्ष बाद क्या लिखोगे आप इसको? बोले 5 वर्ष बाद इसकी एक्स प्लस 5 होगी, 5 वर्ष बाद उनकी उम्र, देखो इसको लिखोगे आप एक्स प्लस 5, फिर आपको एक रेशो बनाना पड़ेगा, पिताजी की उम्र नीचे लिखोगे एक्स प्लस 27+5, तो 32 लिख दूं सीधा में से 32, तब रेशो कितना होगा? 2:3 यानी 2/3, फिर इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 3x+15 बराबर 2x+64, ये इसमें से माइनस कर दो तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 64 में से 15 49, तो ये आ गई किसकी? रमेश की उम्र, पिताजी की उम्र आ जाएगी यहाँ से, पिताजी की कितनी थी भैया? एक्स प्लस 32, 49+32, 9 2 11, अच्छा ये तो 27 है ना, एक्स प्लस 27, 49+27, 9 7 16, 6 1 7 76 वर्ष।
ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को कर सकते हैं, गुणा करना है बड़ा बड़ा, तो ऐसा कर सकते हो। और सारे क्वेश्चन जिस तरीके से किए हैं वैसे करना चाहो तो भाई 11 मार्कर में आएगा, आएगा नहीं, और बड़ा बनेगा 11 मार्कर में सवाल। इतना भी छोटा नहीं बनेगा, इतना भी छोटा नहीं बनेगा, थोड़ा सा और लंबा बनेगा। कहाँ बना पाओगे 11 मार्कर में, इतनी सी जगह में तो हो गया यार। देखो हमने ये सिचुएशन नहीं देखी, हमने बस सीधा मान लिया एक बेटे की उम्र। ऐसा इसलिए मान लिया कि बेटे की उम्र के आधार पर हम पिताजी की उम्र निकाल सकते थे, क्योंकि वो 27 वर्ष बड़े हैं। तो बेटे की, रमेश की उम्र अगर x है तो पिताजी उससे 27 बड़े, यानी x प्लस 27 के हो। अगर 5 वर्ष बाद हम जाते हैं तो जो भी एज हमने मानी है उससे 5 वर्ष और बढ़ जाएगी, यानी रमेश की उम्र x प्लस 5 हो जाएगी और रमेश के पिताजी की उम्र x प्लस 27 प्लस 5 यानी x प्लस 32 हो जाएगी। उस कंडीशन में उनका जो रेशो दिया है वो 2:3 दिया है, उसको हमने 2/3 लिख दिया। रेशो का मतलब क्या होता है, अपॉन में लिखना उसको। इनको कंपेयर कर दिया कि 5 वर्ष बाद ये सिचुएशन है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी। तो जो भी एक्स की वैल्यू आई वो किस चीज़ की थी, उनकी जो पूछी गई एज है उसी की। तो ये तो बेटे की उम्र आ गई, रमेश की उम्र, और ये उनके पिताजी की उम्र आ गई उसी के आधार पर। कर ऐसे भी सकते हो और ऐसे भी किया जा सकता है उसको। अगला सवाल जो इस बार पूछा गया था इतना सा था, जैसा आपने पिछला सवाल किया बस वैसे ही सवाल है सेम। बोले श्याम के पिता की आयु श्याम की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष ज़्यादा है। श्याम के पिता की उम्र 47 वर्ष है। जैसे हम एक की उम्र मान लेते हैं, माना श्याम की आयु x वर्ष, तब श्याम के पिता की आयु कितनी होगी। पुलिस के 3 गुने से 5 वर्ष ज्यादा, x का 3 गुना 3x प्लस 5 कितनी होगी, क्योंकि उसने कहा है कि श्याम के पिता की आयु 47 वर्ष है। पिताजी की उम्र हमने तो ये मान ली है 3x प्लस 5 बराबर 47, ये चीज आपको दी है। अगर 5 को इसमें से माइनस करते हो तो 3x की वैल्यू क्या 42 आ जाएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। x की वैल्यू 14 आएगी, श्याम की उम्र हमने x मानी थी, तो श्याम की उम्र कितनी होगी, वर्ष, ठीक है। तो ये दो सवाल पूछे गए थे अभी तक एज। मैं फिर से बोल रहा हूं, एज कॉइन क्या 5 नंबर में पूछा गया था, ये 21 में 5 नंबर में, 21 में बहुत छोटे छोटे से सवाल आए थे, सारे क्वेश्चन बहुत छोटे थे। 11 मार्कर भी ऐसा आया था जो 6 मार्कर में पहले पूछा गया है, 5 मार्कर। तो अगर कॉपी का साइज ऐसा रहा तो इस बार भी ऐसा ही होगा कि 2022 में भी छोटे छोटे से सवाल पूछे जाए। एक सवाल और है अगर आप करना चाहो तो, टाइम है ना अभी, कुलदीप सर आए नहीं। ये सवाल और है, किरण संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 वर्ष है, 93 है। 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 था, तो संयोग की उम्र ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा है संयोग की उम्र, कौन सी एज निकालना है, प्रेजेंट एज, वर्तमान उम्र निकालना है। सेंटेंस पढ़ के कई बार ऐसा नहीं है, लिखा नहीं है तो हम समझ नहीं पाए इस चीज़ को, सवाल पढ़ के हमें ये बात भी समझ आ जाए निकालना क्या है। संयोग की प्रेजेंट एज निकालना, वर्तमान आयु निकालना है। तो आपको जो रेशो दिया है 10 वर्ष पहले का, उसी को आप मान लें कि किरण संयोग और नम्रता की उम्र 10 वर्ष पहले क्रम से 2x 3x और 4x थी, उससे हम वर्तमान में जा सकते हैं 10-10 जोड़कर। करिए,
से टू एक्स कॉमा थ्री एक्स तथा फोर एक्स थी। थर्टी सेवन आ रहा है, ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन, थर्टी सेवन दोनों गलत हैं। थर्टी वन बोला, थर्टी वन बिल्कुल सही, थर्टी वन। इतना करने के बाद भी हमको लग रहा है कि गलती की गुंजाइश है। अच्छा 10 वर्ष पहले इतनी है सीता। अच्छा आप बताएं, 10 वर्ष पहले अगर इनकी उम्र इतनी है तो प्रेजेंट में कितनी कितनी हो जाएगी? प्लस करते जाएंगे, जैसे 10 वर्ष पहले किरण की उम्र 2x थी तो प्रेजेंट में 10x+2 हो जाएगी, 2x+10 हो जाएगी, और दूसरे की 3x+10 हो जाएगी, 4x+10 हो जाएगा। ये इनकी प्रेजेंट एज है। अब वो कहता है कि प्रेजेंट एज का सम हमको दे रखा है 93, तो उससे हम कंपेयर करा सकते हैं सम करके। तो एक्स प्लस टेन, थ्री एक्स प्लस टेन, फोर एक्स प्लस टेन बराबर 93। ये बन जाएगा 5 और 4 9, 9x+30 बराबर 93, 9x=63। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 7। एक्स की वैल्यू 7 आ गई। हमसे पूछा है संयोग की वर्तमान उम्र, संयोग की वर्तमान उम्र 3x+10, 7 21+10 बराबर 31 ईयर। कर पाओगे ना? अब इसी सवाल में थोड़ा सा और कुछ दे देता तो 11 मार्कर की उम्मीद आप कर सकते, जैसा इस बार दिया था। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमेशा इस बार छोटा सवाल दे दिया 11 मार्कर तो अब नहीं आएगा। आप फिर से उम्मीद करें, ठीक से सांख्यिकी को पढ़ के जाएं, हो सकता है उसी से पूछा जाए, जैसे पिछली बार मीन से पूछा गया था 2020 में, हो सकता है 22 में मोड या मीडियन से पूछ लिया जाए, आसान सवाल आएंगे। बस ये होता है कि इससे इतने छोटे छोटे सवाल बनते, मतलब उतने बड़े सवाल नहीं बनते कि 200 शब्दों में बन पाए, लेकिन सांख्यिकी से ऐसा होता है कि उसमें ऐसे कई सवाल हैं जो 200 शब्दों के आसपास बन सकते हैं, इस वजह से दिया जाता है। और हर टॉपिक से आएगा, अभी 21-22 में तो मैंने इतना एक्सपेरिमेंट देखा कि लगभग हर टॉपिक को टच किया है। जैसे इक्वेशन फैक्टर से इस बार एक सवाल पूछ लिया 3 नंबर में, सांख्यिकी से भले ही 11 मार्कर नहीं पूछा पर 3 नंबर का एक सवाल पूछा था। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, एक प्लस माइनस वाला या गुणा भाग वाला सवाल 3 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। जैसे इस बार जो पूछा था ना 7√5 × 3√5, केवल मल्टीप्लाई करना था। उससे पहले पूछा गया था एक फ्रैक्शन को जोड़ना, मतलब एलसीएम निकालना, केवल 1/3, 2/5, 3/7 इस तरीके का 3-4 फ्रैक्शन दे के केवल जोड़ना था उनको। तो इस तरह के सवाल के लिए तैयार रहना। अभी अपने 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, एक इक्वेशन फैक्टर और नंबर्स। ये नंबर सिस्टम नहीं है, नंबर सिस्टम तो अपने आप में ऐसा टॉपिक है 15-20 दिन उसको पढ़ा सकते हैं, इतना बड़ा है। अपन को नंबर्स यानी संख्याओं के प्रकार, उसने कहा संख्याएं और उनके प्रकार, मतलब संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हमको पढ़नी है, जैसे प्राइम नंबर्स हो गए, आपके नेचुरल नंबर हो गए, ऑड इवन नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, मतलब संख्याओं के टाइप्स पढ़ने हैं और संख्याओं के बेसिक से सवाल कौन कौन से हो सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जो MPPSC ने 2014 से अभी तक पूछे हैं, उनसे रिलेटेड उसके आसपास के सवाल। जैसे पिछले बार एक क्वेश्चन आया था कि 1 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 11 है, उनके अंकों को पलटने पर ये संख्या 27 ज़्यादा हो जाती है, तो बताइए वो संख्या कितनी होगी? ये 11 नंबर में पूछा गया था, इससे पहले ये 6 नंबर में भी पूछा गया है, तो उसी तरह के सवाल हम करेंगे, ठीक है? तो कल नंबर्स और उसके बाद में इक्वेशन फैक्टर, तो लगभग 3-3 क्लासें और 6 क्लास बाद में आप